हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मेथी और आलू की एक आसान रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आप देख रहे हैं अपना किचन जायका। मेथी और आलू की सब्जी जाड़े में बहुत ही अच्छी बनती है, तो इसको हमने अपने अंदाज में किस तरीके से बनाया है, आइए हम आपको दिखाते हैं मेथी और आलू की आसान रेसिपी। मेथी और आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने 8 से 9 आलू लिए हैं, करीबन 750 ग्राम आलू होंगे ये। तो हमने इसको छील लिया है और अब हम इसको बड़े बड़े पीस में काट लेंगे। अगर छोटा आलू है तो हम इसको 4 पीस में काट लेंगे, और अगर थोड़ा सा बड़ा आलू है तो इसको हम 5 से 6 पीस कर लेंगे। इस तरीके से हमें आलू के पीस को काट लेना है। आलू हमने काट लिए हैं और अब हम टमाटर काटेंगे। टमाटर हम यहाँ पे 1 लेंगे खाली। टमाटर का खट्टा टेस्ट आलू में बहुत अच्छा लगता है। टमाटर भी हमारा कट गया है, अब टमाटर को कर देंगे हम साइड में। 2 प्याज लिए हैं हमने, प्याज को हम बड़े बड़े पीस में काट लेंगे। प्याज के पीसेस को हमने काट लिया है, अब इसको हल्के से हम इस तरीके से खोल देंगे और प्याज को रख देंगे हम साइड में। आलू और मेथी की सब्जी आप 2 तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो आलू को डायरेक्ट तेल में फ्राई कर लें, और दूसरा तरीका है आलू को आप बॉईल करके बनाएं। तो आलू को अगर हम डायरेक्ट फ्राई करते हैं तो हल्का सा अंदर कच्चापन रह जाता है, तो इसको हम हल्का सा बॉईल करेंगे फिर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक पैन को गैस पे चढ़ा दिया है, थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को हम करीब 5 से 6 मिनट तक हल्का सा बॉईल करेंगे, और जब हमें लगेगा कि ये हल्का सा बॉईल हो गया है फिर हम इसको पानी से निकाल लेंगे। आलू हमारा जब तक बॉईल होगा हम मेथी काट लेते हैं। मेथी को हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटेंगे। मेथी हमारी कट गई है, मेथी को कर देते हैं साइड में, और अब हम आलू चेक कर लेते हैं। आलू को अब हम छुरी से चेक कर लेंगे। आलू हमारा एकदम सही बॉयल हो गया है, ना ही ये ज़्यादा कच्चा रह गया है और ना ही ज़्यादा उबला है। करीब 60% तक हमारा आलू अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है। अब हम इसको पानी से निकाल लेंगे। इस पानी को अभी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें हम मेथी डाल देंगे कटी हुई, क्योंकि मेथी में जो हल्का सा कड़वापन होता है तो इस गर्म पानी में डालने से वो कम हो जाएगा। और हम इसको उबालेंगे नहीं, बस 5 मिनट के लिए इसको पानी में पड़ा रहने देंगे। तो इस पैन को हम कर देते हैं साइड में। अब हम दूसरे पैन में आलू को फ्राई करेंगे। 3 से 4 चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 चम्मच ऑयल लिया है, 50 से 60 ml होगा ये तेल। तेल हमारा बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरे को हम बहुत ज़्यादा भूनेंगे नहीं, क्योंकि आलू के साथ ये भी अच्छी तरीके से भुन जाएगा। अब हम आलू डाल देंगे इसमें। आलू को आप हल्के से डालिए, नहीं तो तेल की छींटें आपके ऊपर आ सकती हैं। आलू को अब हम ढक देंगे। ढकने से क्या होगा कि तेल में आलू हमारा फ्राई भी हो जाएगा, और इसमें से जो भाप निकलेगी तो भाप के साथ में ये अच्छी तरीके से पक भी जाएगा। आलू को अब हम एक बार चेक कर लेंगे। देखिए कितना शानदार आलू फ्राई हो रहा है, और आलू से जो पानी रिलीज हो रहा है तो उससे हमारे आलू बहुत अच्छी तरीके से कुक हो रहे हैं। एक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे इसमें हम। इसका खट्टा टेस्ट आलू में बहुत ही अच्छा आएगा। आप अगर चाहें तो टमाटर की जगह पे आमचूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज डाल देंगे, 3 कटी हुई मिर्चें डाल देंगे इसमें हम।
अब एक बार इसको मिला देते हैं अच्छी तरीके से। एक चम्मच नमक डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डालिए। आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च डालेंगे इसमें हम। इसमें आप कुटी हुई मिर्च डालें तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। दो चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, एक छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हींग, अगर आप चाहें तो ना डालें लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। आलू बहुत अच्छे कुक हुए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे, इससे हमारा प्याज और टमाटर नरम हो जाएगा। अब हम पैन में से मेथी निकाल लेते हैं। मेथी को गर्म पानी में डालने से 2 फायदे हैं। एक तो मेथी हमारी अच्छी तरीके से पक जाती है और दूसरा मेथी का कच्चापन और कड़वाहट निकल जाती है। तो मेथी हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको आलू में डाल देंगे। अब हम आलू के साथ इसको चला देंगे अच्छी तरीके से। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, 2 मिनट तक हम इसको ढक के और पकाएंगे। गर्मा गर्म आलू मेथी की सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत शानदार आलू भी हमारे बने हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे। आलू मेथी की सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको गर्मा गर्म पूड़ियों के साथ सर्व करेंगे। आलू और मेथी की ये आसान रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, हमने इसको सर्व कर दिया है। ये पूड़ी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसको सफ़र में भी आसानी से ले जा सकते हैं क्योंकि इसमें फैलने का कोई डर नहीं होता है। जाड़े की ये बेस्ट रेसिपी है, आप इसको अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।